हेलो बच्चों, वेलकम टू इजी स्कूल क्लासेस। क्लास टेंथ की फिजिक्स में हम देख रहे हैं चैप्टर लाइट का, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सो आज देखेंगे पेज नंबर 184 की एक्सरसाइज को। सो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहला काम किए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन वन है, डिफाइन वन डायोप्टर ऑफ पावर ऑफ ए लेंस। कि वन डायोप्टर ऑफ ए पावर ऑफ ए लेंस का मतलब क्या होता है? तो सबसे पहली बात तो जो पावर का फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस इज इक्वल्स टू वन ओवर फोकल लेंथ इन मीटर्स। ठीक है, और पावर इज इक्वल्स टू वन ओवर एफ। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ये निकल के आ गया, आगे भी यूज़ होगा। ठीक है, सो वन डायोप्टर का मतलब क्या है? इट इज़ दी पावर ऑफ फोकल लेंथ। वन डायोप्टर का मतलब आ रहा हूँ मैं। अब देखो वन कब आएगा यहाँ पे, जब एफ भी वन होगा। सो इट इज़ दी पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ वन, पावर ऑफ लेंस ऑफ फोकल लेंथ वन मीटर, वन डायोप्टर का मतलब। और डायोप्टर क्या होता है? इट इज़ दी एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस। ठीक है, सो वन डायोप्टर का मतलब क्या आ गया? इट इज़ दी पावर ऑफ ए लेंस ऑफ फोकल लेंथ वन मीटर। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर टू। इसमें क्या क्या आ गया है? अ कॉन्वेक्स लेंस। अब देखो ध्यान रखना क्या क्या दिया हुआ है। सो कॉन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ ए नीडल एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। सो सबसे पहले काम तो कर लेते हैं, एक लेंस बना लेते हैं। सो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है क्या? कॉन्वेक्स लेंस। और इसमें कहा गया है कि एक इमेज बनती है रियल और इन्वर्टेड एट ए डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। सो लेट अस से सपोज यहाँ पे कहीं पे एक इमेज बनती है और ये जो डिस्टेंस है ये गिवन है हमें 50 सेंटीमीटर। अब सबसे पहली बात तो पूछिए, वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कि यहाँ पे ये नीडल कहाँ पे रखी होगी? कब? जब इमेज का जो साइज है वो इक्वल है किसके बराबर है? ऑब्जेक्ट की इमेज के। ठीक है, अब सिंस द इमेज इज रियल इन्वर्टेड ऑफ सेम साइज, ये दिया हुआ है हमें कि रियल है, इन्वर्टेड है, सेम साइज की है। सो द नीडल और ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस एट सेम डिस्टेंस एज द इमेज ऑब्जेक्ट। ठीक है, डेट मीन्स कि सपोज अगर यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये भी कितना होगा? 50 सेंटीमीटर। तो पहले पार्ट का तो ये आ गया कि ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ठीक है, अब सेकंड में क्या आ गया कि इसकी पावर निकालनी है हमें। सो पावर निकालने के लिए फोकल लेंथ निकालनी होगी। तो देखो अब हमें कहा गया कि इमेज फॉर्म्ड इज ऑफ सेम साइज। तो सेम साइज होने का मतलब क्या होता है? द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट, इट मीन्स द ऑब्जेक्ट विल बी प्लेस्ड एट 2f डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर। ठीक है, सो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है दिस इज 2f और ये भी 2f। सो इस समय क्या मिलता है? इस समय क्या पता लग गया? दैट 2f इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर और f इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। कि फोकल लेंथ इस लेंस की कितनी आ गई? 25 सेंटीमीटर। सो पावर कितनी आ जाएगी? पावर विल बी 1/25। ठीक है, बट पावर क्या होती है? पावर होती है जब हम बात करते हैं मीटर की। सो 1/25 हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 0.25 मीटर। नाउ पावर विल बी 1/0.25, डैट विल बी इक्वल्स टू 4 डायोप्टर्स।
So the power of lens is plus 4 diopters. So this is the solution of this question. Okay. So this is question number 2. Now let us see question number 3. Question number 3 is very simple. Question number 3 mein kya kaha hai? Find the power of a concave lens of focal length 2 meter. Ab kyunki concave lens diya hua hai. So we will consider the focal length is negative. So focal length of concave lens is considered negative. तो power कितनी हो गई? 1 over f in meters. So it will be equals to 1 over 2, but with minus sign, so 1 over minus 2 or minus 0.5 diopters. So this is the answer of this question. So this is all for this particular video lecture. From the next video, we will start doing the back exercise questions, jo ki page number 185 or 186 ke upar given hai. So this is all for this particular video lecture. Thank you for watching the video. Please subscribe to my YouTube channel for more such tutorials. Thank you.